लास्ट यूनिट इस पेपर के शुरू कर रहे हैं अपने, जिसके अनुसार हमारे पास अचर गुणांक वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी अगर हमारे पास जो आंशिक अवकल समीकरण है उनके गुणांक अचर हों और उसके साथ में रैखिक हमारे पास हो, रैखिक का मतलब उनमें जो अवकल गुणांक हैं उनकी घात इकाई आती हो, तो उस स्थिति में उसे हम अचर गुणांक वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। इसको कुछ इस पर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई समीकरण दे दी जाए, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस दो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस तीन डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वेयर प्लस पाँच डेल जेड ओवर डेल एक्स छः डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस सात जेड बराबर पाँच साइन एक्स प्लस चार कॉस वाई। ये जो समीकरण है उसे हम एक तो अचर गुणांक वाले कहेंगे, क्योंकि इनके जो गुणांक आ रहे हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई का वेरिएबल नहीं आएगा। दूसरा रैखिक कहेंगे, रैखिक या लीनियर का मतलब है इसकी पावर वन आ रही है, इनकी जो डिग्री डिफाइंड हो रही है हमारे पास ईच एंड एवरी स्टेप में वो वन है। ऑर्डर हमारे पास हो सकता है टू हो, थ्री हो, फोर हो, कितने भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन डिग्री हमारे पास क्या होगी इसमें, वन होगी। ईच एंड एवरी स्टेप में जो डिफरेंशियल कोफिशियंट डिफाइंड करता है उसकी पावर जो आएगी वो वन आएगी। और आंशिक अवकल समीकरण, ये आंशिक अवकलन का उपयोग करते हुए, पार्शियल डेरिवेटिव का उपयोग करते हुए एक समीकरण बनाई गई है, इसलिए इसको हम आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। दो प्रकार की समीकरणों के बारे में पढ़ना है हमें, एक तो है समघात और एक होगा असमघात। इसको हम कहेंगे होमोजीनियस और इसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस। समघात का मतलब है कि किसी भी अवकल समीकरण, जो आंशिक अवकल समीकरण है उसके प्रत्येक पद में जो ऑर्डर है वो सेम रहे, ये समघात नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में ऑर्डर सेम नहीं है हमारे पास, अलग अलग है। इसमें दो ऑर्डर है, इसका भी दो ऑर्डर है, इसका भी दो ऑर्डर है, लेकिन यहाँ इकाई और इसमें कोई भी हमारे पास ऑर्डर नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है वो एक नॉन होमोजीनियस का है। होमोजीनियस का मतलब होगा कि उनका ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम का मतलब जैसे ये आ जाए समीकरण हमारे पास, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू थ्री साइन एक्स, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। या डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर डेल वाई प्लस चार गुना डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वेयर प्लस पाँच गुना डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल्स टू थ्री लॉग एक्स आ जाए। इनमें आंशिक अवकलज का जो ऑर्डर है ईच एंड एवरी स्टेप में वो सेम आ रहा है। ये भी दो बार आंशिक अवकलज किया गया, इसको भी दो बार किया गया, इसको भी दो बार किया गया, इसमें तीन तीन बार किए गए हैं। सभी स्टेप्स में आंशिक अवकलज जो हैं वो समान है, इसलिए इसको हम होमोजीनियस या समघात आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। और जो इस प्रकार के पार्ट आएंगे उसको हम असमघात नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। हमें इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में करना है, अगर होमोजीनियस आ जाए और अगर नॉन होमोजीनियस आ जाए तो उनको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात आंशिक अवकल समीकरण जो है उसको हल करेंगे। उसको हल करने के लिए
हम एक तो ये मान के चलेंगे कि जेड जो है वो एफ ऑफ वाई प्लस एम एक्स से व्यक्त किया जाता है, या ये हम मान के चलेंगे कि जेड का जो मान है वो इस फलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, हम इतना ही इसमें काम में लेंगे कि डेल बाई डेल एक्स को तो एक तो हम डी लिखा करेंगे, डेल बाई डेल वाई को हम डी डैश लिखेंगे। इसको हल करने पर दो मान प्राप्त होंगे हमारे पास, एक तो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फंक्शन सी एफ, और एक हम ज्ञात करेंगे इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। इन दोनों का जो हल होगा, जोड़ होगा, उसी को हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे, चाहे वो हमारे पास समघात आ जाए चाहे असमघात आ जाए। अगर समघात के अंदर सी एफ और पी आई निकालने की अलग अलग विधियां अलग अलग एक्सरसाइज के रूप में हम इस चैप्टर में करेंगे। सी एफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड जो पूरे क्वेश्चंस में, पूरी एक्सरसाइज में हम बार बार, जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आएगी उसमें बार बार इसका उपयोग करते रहेंगे। सी एफ निकालने की विधि में सबसे पहले हम जो भी समीकरण दी हुई है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास पहली समीकरण में इसको दो से गुणा करते हुए दिया हुआ है, हमें सी एफ निकालना है खाली। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में सबसे पहले जीरो ले लेंगे। अगर इसके बराबर में जीरो लेंगे तो इस समीकरण को कुछ इस रूप में लिखा जा सकता है, डी स्क्वेयर जेड दो गुना डी इंटू डी डैश जेड प्लस डी डैश का स्क्वेयर जेड बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वेयर प्लस दो डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वेयर ऑफ जेड बराबर जीरो लिखा जाएगा। सी एफ ज्ञात करने के लिए हम इसके अंदर डी की जगह पर तो एम रखेंगे और डी डैश की जगह पर वन रख दिया करेंगे, जहां पे भी डी डैश आ रहा है उसकी जगह वन, और डी जहां पे भी आ रहा है उसकी जगह पर एम। ये बन जाएगा हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस दो एम प्लस एक बराबर जीरो। एम के मान ज्ञात करेंगे, एम के मान ज्ञात करने के पश्चात हमारे पास कुछ विधियां हैं जिनकी सहायता से हम सी एफ को परिभाषित करेंगे। वो विधियां मैं बता देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए। हम उस विधि से जब d की जगह पर m और d डैश की जगह पर एक रखकर हल करेंगे तो m के विभिन्न मान प्राप्त होंगे, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन बनेगी यदि m के मान भिन्न भिन्न आते हैं, यानी अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। हमारे पास कितने भी मान आ सकते हैं, वो जिस प्रकार की हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण है उसके अनुसार होंगे। अगर तीन घातीय है तो तीन मान आएंगे, तो हमारे पास चार, हमारे पास ऑर्डर में है तो चार मान आएंगे। अगर तीनों मान या चारों मान, जितने भी मान आ रहे हैं एम के, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो उस स्थिति में सी एफ जो होगा वो बराबर होगा फाइव वन ऑफ वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव ऑफ y प्लस एम टू एक्स प्लस फाई ऑफ y प्लस एम थ्री एक्स। इस मान को हमारे पास जब भी लिखेंगे तो वो सी एफ को व्यक्त करेगा। यहाँ फाई वन, फाई टू और फाई थ्री के रूप में तीन अलग अलग फलन लिखे जाएंगे। अगर चार मान आ रहे हैं तो एक और मान उसमें जुड़ जाएगा एम फोर, फाई फोर वाई प्लस एम फोर एक्स के रूप में। दूसरा हमारे पास पार्ट, अगर m के मान समान है, इसमें दो कंडीशंस बनेंगी, जैसे मान लो m1 और m2 तो बराबर आते हैं और एक m3 अलग है, m1 और m2 जो बराबर है उसको m मान लिया जाएगा, और उस स्थिति में cf लिखने का जो सूत्र रहेगा वो phi1 y plus mx plus x phi2 y plus mx और plus phi3 y plus m3x लिख दिया जाएगा।
जो अलग है उसको तो अलग से लिख ही देंगे, जो इसके साथ में दो समान है उसके लिए फाइव वन प्लस एक्स फाइव टू लिख दिया जाएगा। अगर तीन मान समान हो, एम वन एम टू और एम थ्री तीनों के मान एम आ जाएं, एक एम फोर अलग आ जाए, तो सी एफ निकालने की विधि रहेगी फाइव वाई प्लस एम एक्स, एक्स फाइव टू वाई प्लस एम एक्स और एक्स स्क्वेयर फाइव थ्री वाई प्लस एम एक्स प्लस फाइव फोर वाई प्लस एम फोर एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। अगर कोई सम्मिश्र संख्या आ जाए तो m की जगह पर वो सम्मिश्र संख्या या जो भी हमारे पास मान आएगा वो रखना है बस। बाकी सेम विधि रहेगी सी एफ ज्ञात करने की, सिर्फ m के मान जो भी आ रहे हैं वो इसमें रखते जाएंगे और सी एफ ज्ञात होता जाएगा, जिसको हम कम्युलेटिव फंक्शन कहेंगे। प्रारंभिक हल होगा ये किसी भी अचर गुणांक वाले आंशिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए। लिख लीजिए ये, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा देता हूँ। ये दिया हुआ है डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस तीन डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस दो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अगर बराबर में जीरो आएगा तो पी आई नहीं निकालना, केवल सी एफ निकलेगा। पी आई का मान जीरो होगा और सी एफ जब भी ज्ञात करेंगे, विधि वो हमने अभी अभी की है उसी का उपयोग करना है। इसको लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस तीन डी स्क्वायर डी डैश प्लस दो डी इंटू डी डैश का स्क्वायर जेड बराबर जीरो। डेल बाई डेल एक्स को डी, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर और डेल बाई डेल वाई को डी डैश, और ये डेल बाई डेल एक्स को तो डी लिख दिया, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर को डी डैश का स्क्वायर। सी एफ के लिए सहायक समीकरण लिखते हैं, डी की जगह एम और डी डैश की जगह वन रखते हुए एम क्यूब माइनस तीन एम स्क्वेयर प्लस दो एम बराबर जीरो, एम कॉमन एम स्क्वेयर माइनस तीन एम प्लस दो बराबर जीरो, गुणनखंड हो जाएंगे एम माइनस एक और एम माइनस दो बराबर जीरो, जिससे एम के मान आ जाएंगे जीरो एक और दो। सी एफ या जेड ही व्यक्त होगा, पी आई का मान जीरो होगा इसमें, तो सीधा सी एफ लिख दो चाहे जेड लिख दो, बात एक ही है। जेड का सॉल्यूशन आ जाएगा फाइव वन वाई प्लस एम एक्स, फाइव टू वाई प्लस एम एक्स और फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। आंसर है इसका चौथा सवाल देखिए। डी क्यूब माइनस छः डी स्क्वेयर डी डैश प्लस ग्यारह डी डी डैश स्क्वेयर माइनस छः डी डैश का क्यूब जेड बराबर जीरो। सी एफ निकालने के लिए सहायक समीकरण में डी बराबर एम और डी डैश बराबर एक रखेंगे, एम क्यूब माइनस छः एम स्क्वेयर प्लस ग्यारह एम माइनस छः बराबर जीरो। एम का मान अगर एक रखते हैं तो एक माइनस छः प्लस ग्यारह माइनस छः बराबर जीरो, यानी जीरो बराबर जीरो बन रहा है। एम माइनस एक इसका गुणनखंड होगा। बाकी गुणनखंड निकालने के लिए भाग दे दीजिए इसमें, एम स्क्वेयर आ जाएगा माइनस पाँच एम आ जाएगा प्लस छः हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे इसके एम माइनस तीन दो और एम माइनस तीन। एम के मान आ जाएंगे एक दो और तीन, जिसके लिए हम सी एफ लिखेंगे, जो जेड बराबर फाइव वन ऑफ वाई प्लस एक्स, फाइव टू ऑफ वाई प्लस दो एक्स और फाइव थ्री ऑफ वाई प्लस तीन एक्स के रूप में मान प्राप्त होगा, जो दी गई
अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। पांचवा सवाल, दो आर प्लस पांच एस प्लस दो टी बराबर जीरो। हमने ये पढ़ा था कि पी जो होता है वो डेल बाई डेल एक्स होता है, क्यू डेल बाई डेल वाई, आर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वेयर, एस डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और टी जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वेयर को व्यक्त करता है। ये मान अगर इसमें रखें तो ये बन जाएगी समीकरण डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस पाँच डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस दो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम दो डी स्क्वेयर प्लस पाँच डी डी डैश प्लस दो डी डैश का स्क्वेयर इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं। डी की जगह एम मान रखेंगे, दो एम स्क्वेयर प्लस पाँच एम प्लस दो बराबर जीरो, जिसके गुणनखंड हो जाएंगे दो एम स्क्वेयर प्लस दो एम चार एम प्लस एम प्लस दो, जिससे मान आ जाएगा दो एम प्लस एक और एम प्लस दो। एक एम का मान माइनस एक बटे दो और एक एम का मान माइनस दो, इससे जेड बराबर आ जाएगा फाइव वन वाई माइनस एक बटे दो एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस दो एक्स। इसको हल करके ये लिखा जा सकता है फाइव वन दो वाई माइनस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस दो एक्स, दो लघुत्तम लेके छोड़ देंगे। कुछ इसी प्रकार का इसमें छठा सवाल और सातवां सवाल दिया हुआ है, मैं इसमें आठवां सवाल करवा रहा हूँ इसके बाद। आठवां सवाल दिया हुआ है डेल पावर फोर जेड बाई डेल एक्स पावर फोर, डेल पावर फोर जेड अपॉन डेल वाई की पावर फोर माइनस दो डेल पावर फोर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर डेल वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं d की पावर 4 प्लस d डैश की पावर 4 माइनस 2 d इंटू डी स्क्वेयर इंटू डी डैश स्क्वेयर ऑफ z बराबर 0, m की पावर 4 माइनस 2 m स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0, d की जगह पर m और d डैश की जगह पर 1 रखते हुए ये m स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर बन जाएगा, जिसे एम स्क्वेयर माइनस एक बराबर जीरो और एम स्क्वेयर माइनस एक बराबर जीरो, जिससे एम का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक और इससे भी एम का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक, दो दो मान बराबर आ रहे हैं, इससे जेड का मान आ जाएगा फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स फाइव टू वाई माइनस एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एक्स प्लस एक्स फाइव फोर y प्लस एक्स, चौके दिए गए समीकरण का हल है।